इंडियन आइडल 12 के रीसेंट एपिसोड में हमने देखा किशोर दा के बेटे सिंगर अमित कुमार गांगुली को, और इंडियन आइडल से वापस आने के बाद अमित कुमार जी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो फैंस को पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि उनको शो कतई पसंद नहीं आया, वो तो बीच में ही शो रुकवाना चाहते थे। क्या है पूरी बात, क्यों फैंस नाराज है और क्या कह रहे हैं फैंस अमित कुमार गांगुली को, आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका। तो चलिए बात करते हैं सिंगर अमित कुमार गांगुली के बारे में, जो रिसेंटली हमें इंडियन आइडल 12 के मंच पर नजर आए थे, और इन्होंने वहां से आने के बाद बोला कि इनको किसी भी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, इनको जजेस की परफॉर्मेंसेस पसंद नहीं आई। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं जिनको परफॉर्मेंसेस पसंद नहीं आई, लेकिन इंडियन आइडल के फैंस अब अमित कुमार गांगुली जी से ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको किसी की भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो आखिरकार क्यों आपने अपनी घड़ी उतार कर पवनदीप राजन को गिफ्ट कर दी थी, वो भी वो घड़ी जो आप दावा करते हैं कि किशोर दा ने आपको गिफ्ट करी थी। वेल, इतना नायाब तोहफा कोई किसी को तभी देता है जब किसी ने बहुत अच्छा कुछ कर दिया हो। अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो इतना नायाब तोहफा आपने किसी को क्यों दिया, ये पूछ रहे हैं इंडियन आइडल के फैंस सिंगर अमित कुमार गांगुली जी से। वेल, अब ये जो विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। लेट्स सी कि अमित कुमार गांगुली जी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है इन बातों पे, इन सवालों पे या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस पूरे वाक्य पे क्या कहना है। अगर आपने वो एपिसोड देखा था तो आपको भी सभी परफॉर्मेंसेस पसंद नहीं आई या सिर्फ एक आध परफॉर्मेंस पसंद आई? पसंद आई तो किसकी पसंद आई, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस पूरे वाक्य पे अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।